हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गोपाला कीर्तन रॉक बैंड और मैं आप सबका रघुनंदन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक वैष्णव तिलक कैसे लगाते हैं, जो अक्सर इस्कॉन टेम्पल में आप सभी देखते हो जो वैष्णव तिलक लगाए जाते हैं। तो वो तिलक लगाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आप सबसे पहले वो बता दूँ आपको। उनमें से जो हमें सबसे पहले चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो है ये तिलक, इसको बोलते हैं गोपी तिलक, या आपको कहीं पे भी मार्केट में जो इस्कॉन टेम्पल्स है आपके घर के नज़दीक वहाँ से मिलेगा। उसके साथ आपको जल की जरूरत पड़ेगी, ये एक कपड़ा और साथ में ये मिरर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक तिलक ले लो, ये जल, बस इतना सा ये जल लिया और ये तिलक, या आपको कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगा जो इस्कॉन टेम्पल्स है वहीं से आपको ज़्यादातर मिलेगा। और इसको बोलते हैं गोपी चंदन, और इसको आपने हल्का सा जैसे घुमाना है और आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, तिलक के हिसाब से ये हमें घुमाया। इसको ये बीच में रख दिया, उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी मिरर की। ये हम यहाँ पे ये शीशा ले लेंगे और अपनी ये वाली फिंगर से, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, ये आपको ये उंगली लेनी है ये आपको यहाँ पे रखना है, आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल सीधा 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 ही इसको आपको ऊपर तक लेके जाना है। ये देखिए आपको दो पैरेलल लाइन बन गई बीच में से, ये बीच में से जो ज्यादा लगो वो आपको साफ करना है। और ये आपको फिर इस रुमाल की जरूरत पड़ेगी, इस रुमाल से आपको जो बीच में से जो ज्यादा ज्यादा लगा वो आपको हल्का हल्का से बीच में से साफ करना है। और उसके बाद हमें बनानी है तुलसी, आपको तुलसी बनाना सिखाता हूँ, ये देखिए। ये जब आप रोज लगाना स्टार्ट कर दोगे तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए ये आपकी बन गई तुलसी। फिर आपको ये कपड़े की जरूरत पड़ेगी, इस कपड़े से जो आपको एक्स्ट्रा ये जहां पे भी आपको नजर आ रहा है उसे आपको ये साफ करना है। लीजिए हमारा ये वैष्णव तिलक का रेडी है। जो बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो आप अपनी शिखा पे लगा सकते हैं, जिन्होंने शिखा रखी है तो शिखा पे आप लगा सकते हैं, उसमें लगा चुके हैं। इसके अलावा एक हमारा एक सांचा मिलता है, स्टैम्प मिलती है, वो आपको किसी भी इस्कॉन टेम्पल से मिल जाएगी। जो एक सांचा होता है वो आप बिल्कुल ईजीली जिनसे ये नहीं लग पाता वो उस स्टैम्प से यूज़ कर सकते हैं। वो जैसे आपका ये जो यू है ये बना हुआ है जो, तो भगवान श्री कृष्ण की ये चरण है, तो वो स्टैम्प मिलती है वो इजीली आप यहाँ से लगा सकते हो। या अगर किसी को नहीं लगता, अगर घर पे अगर स्टैम्प अभी तक नहीं है तो एक वो टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टूथपिक यूज़ करके वो अपने हिसाब से अपने तरीके से आप लगा सकते हो। तो आपको किसी भी स्कॉन टेम्पल में आप जाइए, वहाँ से आपको स्टैम्प भी अवेलेबल मिल जाएगी और उसके बाद वहाँ से आपको तिलक भी मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरे जो, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमें कितने तिलक लगाने चाहिए, कितने तिलक लगाए जाते हैं, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए हरे कृष्णा।